फैंटेसी, मिथक, बीम और प्रतीक, ये चार अवधारणाएं पश्चिमी साहित्य से आई हुई हैं। और पिछले 3 एपिसोड मेरे आप देख चुके होंगे। पहला एपिसोड था मेरा फैंटेसी के ऊपर, इसके बाद मैंने एक एपिसोड बनाया हुआ था मिथक के ऊपर, इसके बाद बीम के ऊपर, और आज हम पढ़ेंगे प्रतीक। इन बिंदुओं के आधार पर हम हिंदी साहित्य में प्रतीकों का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर प्रतीक की जो अवधारणा है उसका अध्ययन कर सकते हैं। प्रतीक को अंग्रेजी में सिंबल कहा जाता है। इसका अध्ययन हम इन बिंदुओं के आधार पर करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर प्रतीक का स्वरूप, विस्तार एवं परिभाषा, फिर प्रतीक की विशेषताएं, फिर प्रतीकों के भेद कि प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनका विभाजन किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग, साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग किस प्रकार से होता है, और अंत में उपसंहार। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तव में प्रतीक का मतलब होता है सिंबल। जैसे कि जो राष्ट्र का जो तिरंगा झंडा है हमारा, वह राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है, हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। लेकिन ये जो अस्मिता है या गौरव है, यह हमको दिखाई नहीं देता, यह अमूर्त है। तो इस अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तिरंगा झंडा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जो तिरंगा झंडा है वह हमारी राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन जाता है। तो यह प्रतीक का साधारण अर्थ है कि किसी अमूर्त वस्तु अथवा दृश्य अथवा व्यक्ति को साकार रूप देने के लिए उसके स्थान पर जो हम मूर्त अथवा दृश्य चीजों का जिनका प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रतीक या सिंबल। तो प्रतीक अंग्रेजी शब्द सिंबल का हिंदी पर्याय है। सामान्यतः प्रतीक शब्द का अर्थ संकेत, चिन्ह, प्रतिरूप इत्यादि समझा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस के बहुत सारे संकेत होते हैं ट्रैफिक के, कि कहाँ पर हमको यू टर्न लेना है, कहाँ पर यू टर्न नहीं लेना है, कहाँ पर ओवरटेक करना है, कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। तो छोटे छोटे संकेतक लगे होते हैं, तो प्रतीक का अर्थ यही होता है, संकेत, चिन्ह या प्रतिरूप। किसी अदृश्य वस्तु अथवा भाव को व्यक्त करने के लिए किसी दृश्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण उस अदृश्य वस्तु अथवा भाव का प्रतीक होगा। मतलब कविता अथवा साहित्य में कई बार कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए अदृश्य है, अगोचर है, या फिर जो भावनाएं हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, एब्स्ट्रैक्ट है, अगोचर है, तो उसके स्थान पर उसको व्यक्त करने के लिए हम किसी दृश्य वस्तु का प्रयोग करते हैं, जो चीज हमको दिखाई देती है। तो वह जो दृश्य वस्तु है वह अदृश्य वस्तु अथवा भाव के लिए प्रतीक होता है। अर्थात साहित्य में अमूर्त, अदृश्य, श्रव्य, अप्रस्तुत विषय का प्रतिनिधित्व मूर्त, दृश्य, श्रव्य एवं प्रस्तुत विषय द्वारा किया जाना ही प्रतीक पद्धति कहलाएगा। अप्रस्तुत का अर्थ होता है जो अनुपस्थित है, अवर्ण्य है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जैसे भगवान है, ईश्वर है। तो इस प्रकार साहित्य में किसी अदृश्य अथवा अमूर्त वस्तु को अथवा भावना को अथवा संवेदना को व्यक्त करने के लिए हम जिन मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं प्रतीक। अर्थात अप्रस्तुत के लिए प्रस्तुत का प्रयोग करते हैं, इसे ही कहते हैं प्रतीक। आगे हम समझेंगे डिटेल्स में। प्रतीक किसी वस्तु विशेष या भाव समूह का एक ऐसा संकेत है जो अगोचर एवं अतींद्रिय है। अगोचर है मतलब जब वो दिखाई नहीं देता, हमारे इंद्रियों के द्वारा जो जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, जिसका संपूर्ण रूप में मस्तिष्क में अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इन भावनाओं का, इन संवेदनाओं का हम कहाँ पर महसूस करते हैं, इसको हमारे मस्तिष्क में रहता है, मस्तिष्क के माध्यम से हम इनका अनुभव करते हैं। अर्थात प्रतीक ऐसा शब्द चिन्ह है जो किसी वस्तु का बोध कराता है। मतलब प्रतीक क्या है? एक ऐसा शब्द है यहाँ पर साहित्य में जो किसी वस्तु का बोध कराता है। वस्तुतः प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव, विचार या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे अस्मिता अथवा अगोचर अस्मिता है, गौरव है, दुख है, सुख है ना, हमारी जो भावनाएं हैं ये अदृश्य और अमूर्त हैं। इनको व्यक्त करने के लिए हम जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतीक। जैसे महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं नीर भरी दुखी बदली है ना, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, तो यहाँ पर दीप आत्मा का प्रतीक है। कबीर ने भी विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा पर मैंने एक बहुत ही बढ़िया एपिसोड बनाया है जिसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, महादेवी वर्मा की प्रतीक योजना, उसको अगर आप देख लेते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तब इस प्रतीक
की जो अवधारणा है इसको आप भली भांति समझ पाएंगे। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाकर, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, महादेवी वर्मा की प्रतीक योजना, उसको अगर देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के लिए किसी देश का ध्वज, किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के कारण राष्ट्र के सम्मान एवं गौरव का प्रतीक होता है। तो किसी भी देश का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वह उस राष्ट्र के सम्मान गौरव और अस्मिता का प्रतीक होता है। प्रतीक शब्द रूप में किसी अन्य अर्थ की व्यंजना करता है, मतलब प्रतीक जो शब्द है वह किसी अन्य अन्य शब्द या चीज अन्य वस्तु की ओर क्या करता है या अन्य अर्थ की ओर क्या करता है, व्यंजना करता है। मतलब लिखते हम कुछ और हैं लेकिन उसका तात्पर्य कुछ और होता है। जैसे काहेरी नलिनी तो कुमिलानी, कबीरदास जी कहते हैं काहेरी नलिनी, नलिनी मतलब छोटा कमल, कुमलानी मतलब कुमला जाना। तो इस पंक्ति में नलिनी मतलब छोटा कमल जीव आत्मा का प्रतीक है। जो नलिनी यहां पर किसका प्रतीक है, छोटा कमल, जीव आत्मा मतलब हमारी आत्मा का प्रतीक है। स्पष्ट ही नलिनी का शब्दार्थ न लेकर यहां पर प्रतीकार्थ ग्रहण किया गया है। तो यहां पर नलिनी एक प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है जो किसका प्रतीक है, हमारी आत्मा का, जीवात्मा का प्रतीक है। और लेकिन नलिनी का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा कमल होता है। काव्य या साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग प्रारंभ से होता रहा है, शुरू से ही प्रतीकों का प्रयोग हो रहा है आदिकाल से या उससे पहले से। हिंदी में सिद्ध साहित्य एवं कबीर आदि कवियों की रचनाओं में प्रतीकों का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। मिलारमे नाम के एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है, अर्थ की स्पष्टता से काव्य का आनंद कम हो जाता है, अतः रहस्यात्मक प्रतीकों में यदि बात कही जाए तो वह अधिक प्रभावशाली हो जाती है। जैसे यदि वहां पर कभी लिख देते कि हे आत्मा तू काहे पछता रही है, तो यहां पर उतना मजा नहीं आता हमको पढ़ने में, लेकिन उससे आनंद कम हो जाता। तो कविता में आनंद की सृष्टि करने के लिए, आनंद का सृजन करने के लिए यदि हम रहस्यात्मक प्रतीकों में बात करते हैं, प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो वह क्या हो जाता है, अधिक प्रभावशाली हो जाता है। जैसे लाल गुलाब है वह प्रेम का प्रतीक है, कोई किसी को लाल गुलाब दे देता तो इसका मतलब यह है कि वह केवल उसे पसंद ही नहीं करता, उसे प्यार भी करता है, तो वह क्या है, प्रेम का प्रतीक हो गया। कबीर ने बूंद को जीवात्मा कहा। अभी जैसे इमोजीज जैसे चलते हैं, हमारे जो इमोजीज है ना, जैसे कोई आंसू बहा रहा है, कोई वहां लव का चिन्ह बना हुआ है, तीन चार, तो ये सब इमोजीज भी प्रतीक है हमारी भावनाओं के। जो आप मैसेजेस जो करते हैं आजकल, आप व्हाट्सएप फेसबुक में जो इमोजीज जो डाल रहे हैं आप, तो वो भी एक प्रकार से प्रतीक है। जैसे दो आंसू बहा रहा है कोई कैरेक्टर, तो वह दुखी है, खुश है ना, हंस रहा है, दांत निकाल के, बहुत सारे इमोजीज है, वो भी प्रतीक कर सकते हैं। ये समझने के लिए परीक्षा में इसे ना लिखे। कबीर ने बूंद को जीवात्मा का तथा सागर को परमात्मा का प्रतीक माना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दैनिक जिंदगी से देता हूँ, उसको परीक्षा में लिखने के लिए नहीं, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए होता हूँ। क्योंकि हिंदी साहित्य के आप छात्र या फिर अध्यापक हैं, तो जो आप उत्तर लिखेंगे या जो व्याख्या करेंगे उसका एक स्तर होता है, उन शब्दों का एक चयन करना पड़ता है जो साहित्य के अनुरूप होना चाहिए। कबीर ने बूंद को जीवात्मा का प्रतीक माना है। बूंद क्या है, जीवात्मा का प्रतीक है, हमारी आत्मा का प्रतीक है, और सागर क्या है, परमात्मा का प्रतीक है। बूंद समानी समुद्र में सो करा हेरी जाए। अब इन सब चीजों की मैं व्याख्या नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बूंद क्या है, जीव की आत्मा का प्रतीक है, हमारी आत्मा का प्रतीक है, और सागर परमात्मा का प्रतीक है। अब हम देखते हैं प्रतीक का स्वरूप विस्तार एवं परिभाषा, इसका स्वरूप कैसा होता है और इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतीक के स्वरूप पर अपनी दृष्टि का परिचय चिंतामणि में इस प्रकार से दिया है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने प्रतीक को परिभाषित करते हुए कहा है, इसका स्वरूप का परिचय दिया है, किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना चट मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती हैं। जैसे कमल माधुर्यपूर्ण कोमल सौंदर्य की भावना जागृत करता है। जैसे भगवान हमारे लिए जितने भी भगवान है अदृश्य है, गोचर है हिंदुओं के, लेकिन जैसे हम गणेश भगवान का हम चित्र देखते हैं तो तुरंत हमारे सामने उनका बिंब उभर कर आ जाता है। उनका स्वरूप कैसा स्वरूप होगा, गणेश भगवान कैसे होंगे। तो वैसे ही जब हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं काव्य में, तो उनके हिसाब से उसको पढ़कर हमको जो हमारी भावनाएं हैं, मनोविकार भावना को जागृत कर देते हैं, उसको हम महसूस करने लगते हैं। जैसे कमल, कमल हम कहीं कविता में पढ़ते हैं तो कमल किसका प्रतीक है,
माधुर्य पूर्ण कोमल सौंदर्य की भावना जागृत कर देता है। मतलब कविता में कहीं पर कोई कमल शब्द आया हुआ है तो हमको यह पता चल जाता है कि यह सौंदर्य का प्रतीक है। जैसे ईश्वर का जो भगवान का जो चित्र होता है वो भी उनका प्रतीक होता है, उनको तो किसी ने देखा नहीं है। सिगमंड फ्रायड ने यह सब पाश्चात्य संस्कृति और उससे आई हुई अवधारणाएं हैं, तो सिगमंड फ्रायड ने भी अपनी मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से प्रतीक को देखा है। सिगमंड फ्रायड नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने मनोविश्लेषण, इसके जनक हैं, मनोविश्लेषण अथवा साइको एनालिसिस के जनक हैं सिगमंड फ्रायड, विश्व के सबसे बड़े जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। तो उसके महत्व को आकलन करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रतीक दमित वासनाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। दमित इच्छाएं या वासनाएं, मतलब जो हमारी वासनाएं या जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाई, जो हमारी मन में दबी रह गई, हमारे अचेतन मन में इनका संरक्षण हो जाता है, अचेतन मन में जाकर एकत्रित हो जाती है। मनोविश्लेषण पर मेरा वीडियो है फ्रायड के ऊपर, उसको जरूर देखें, मनोविश्लेषणवाद, तब इन सारी चीजों को आप भली भांति समझ पाएंगे। तो ये जो दमित वासनाएं अथवा इच्छाएं हैं जो हमारी अचेतन मन में संग्रहित हैं, इनको अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। यही दमित इच्छाएं संवेगात्मक मनोवेग रूप में वेश बदलकर प्रतीकों के रूप में अपने को प्रकट करती हैं। तो ये जो दमित इच्छाएं हैं ये वहां से कहां आ जाती है, धीरे धीरे हमारे चेतन मन में आ जाती है, और चेतन मन में आ जाती है तो क्या होता है, इनको अभिव्यक्ति प्रदान किया जाता है कवि के द्वारा, लेखक या कवि के द्वारा। और यह अभिव्यक्ति कैसे प्रदान करते हैं, प्रतीकों के माध्यम से इनकी इनको अभिव्यक्ति प्रदान किया जाता है। तो मन में अचेतन ढंग से पढ़ी हुई न जाने कितनी ऐसी अनेक बातें हैं जो अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होती हैं, और इनका स्वरूप साहित्य में उन्हीं रसों या रस संदर्भ प्रतीकों के माध्यम से कवि की वाणी में अभिव्यक्ति पाकर साहित्यिक प्रतीकों का सृजन करती है। मतलब किसी कवि के मन में, उसके अचेतन में जो बहुत सारी दबी हुई इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, है ना, ये क्या होता है, इनका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, ये कभी मिटती नहीं है, उसके अचेतन मन में हमेशा पड़ी रहती है। और साहित्य में जब कोई साहित्यकार इन्हीं को व्यक्त करना चाहता है तो क्या है, वह प्रतीकों के रूप में उनको अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार साहित्यिक प्रतीकों का सृजन होता है। तो मनोविश्लेषण के आधार पर उन्होंने इसका विश्लेषण किया हुआ है। प्रतीक की विशेषताएं, किसी प्रतीक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या फिर होती है, प्रतीक की चार विशेषताएं बताई गई है। प्रतीक अप्रस्तुत, अप्रस्तुत मतलब जो प्रस्तुत नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है, अगोचर है। प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है। जैसे तिरंगा झंडे की, जैसे हमारे राष्ट्र की जो अस्मिता है, गौरव है, वह क्या है, अप्रस्तुत है। और इसको प्रस्तुत कैसे करते हैं हम, तिरंगा झंडा के माध्यम से। तो प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है। अप्रस्तुत मतलब होता है जो अनुपस्थित है, जो अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तुरंत मन में किसी भावना को जागृत कर देता है। प्रतीक जो है तुरंत हमारे मन में कुछ भावना को जागृत कर देता है। जैसे कोई हमको लाल गुलाब का फूल दे देता है तब हमको पता चलता है कि हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो यह तुरंत प्यार की भावना को जागृत कर देता है। तीसरा, उस पर युग, देश, संस्कृति तथा मान्यताओं की छाप रहती है। मतलब जो प्रतीक रहते हैं अलग अलग युग में, अलग अलग देश में, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में कोई बोलता है कि यह तो पूरा उल्लू है, तो यह क्या, उल्लू मतलब निरा मूर्ख हो गया। भारत में यदि कोई किसी को बोलता है यार तू तो पूरा उल्लू है, या फिर यह व्यक्ति पूरा उल्लू है, तो यह हो गया मूर्ख में, मूर्ख हो गया। लेकिन यदि इंग्लैंड में कोई कहा जाता है किसी को, ही इज एन आउल OWL, तो उसका अर्थ क्या हो गया, बहुत ही विद्वान है, गुड़ी व्यक्ति है। तो इंग्लैंड की जो युग और देश और संस्कृति है वह अलग है हमसे। इंग्लैंड में उल्लू का मतलब होता है विद्वान, और भारत में होता है मूर्ख। तो यह हो गया, ये प्रतीक समझ सकते हैं। तो इस पर युग, देश, संस्कृति तथा मान्यताओं की छाप रहती है। चौथा, कवियों द्वारा प्रयुक्त प्रतीक प्रारंभ में व्यक्तिगत होते हैं, पर धीरे धीरे वे रूढ़, प्रचलित और प्रसिद्ध हो जाते हैं। प्रारंभ में जब कोई कवि किसी प्रतीक का प्रयोग करता है मौलिक रूप से पहली बार, तो वह उसका व्यक्तिगत प्रतीक होता है। लेकिन धीरे धीरे अन्य कवि भी उसी प्रतीक का प्रयोग उसी उद्देश्य से करने लगते हैं, तो धीरे धीरे प्रतीक जो है रूढ़ हो जाता है, प्रचलित हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, और सारे कवि उसी प्रतीक का प्रयोग उसी वस्तु के लिए करने लगते हैं। इसको बोलते हैं प्रचलित हो जाना, रूढ़ हो जाना। प्रतीकों के भेद या प्रकार, प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं, वैसे प्रतीकों के बहुत सारे वर्गीकरण किए जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य प्रतीक हैं, जो प्रायः प्रचलित हैं, उसका उल्लेख मैंने यहां पर किया है।
इसमें प्रमुख कौन कौन से प्रतीक होते हैं? भाव और प्रेरक प्रतीक, भावों को जन्म देने वाला, भावों को प्रेरित करने वाले प्रतीक, जैसे कमल, चंद्रमा, कुमुदिनी, जिनमें भाव या राग की प्रधानता रहती है। भाव मतलब भावना, राग मतलब प्रेम जैसी जो भावनाएं होती हैं, प्रेम या हर्ष, इनको बोलते हैं राग। विचारोत्पादक प्रतीक, विचारों को जन्म देने वाले, विचारों को प्रेरित करने वाले प्रतीक, जिनमें वैचारिकता प्रमुख होती है। जैसे कि विभीषण का अर्थ होता है घर का भेदी का प्रतीक होता है। विभीषण कहने से ऐसा होता है घर का भेदी, घर का भेदी लंका ढाए बोलते हैं, तो विभीषण घर का भेदी का प्रतीक है। गांधी जी सत्य और ईमानदारी के प्रतीक है। इसके बाद वैयक्तिक प्रतीक, पर्सनल सिंबल्स होते हैं, जो वैयक्तिक निजी, कवि के निजी प्रतीक जो उसकी अनुभूति पर आधारित होते हैं। जैसे कबीर द्वारा प्रयुक्त नलिनी जीवात्मा का प्रतीक है, तो माली काल का प्रतीक है। अब कुछ कवि अपने निजी प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, वह स्वयं ही प्रतीकों का निर्माण करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं जो उनके पर्सनल होते हैं, जो उनके निजी होते हैं। जैसे यदि कबीर ने लिखा है नलिनी, तो वह जीव की आत्मा का प्रतीक है, और कबीर ने जहां माली लिखा है तो वह काल का प्रतीक है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। मतलब यहां पर क्या है, तो आप समझ गए होंगे जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कबीर की पंक्तियां हैं। परंपरागत प्रतीक, वास्तव में मुझे बताने के लिए बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन इस एपिसोड को मैं बहुत ज्यादा लंबा करना भी नहीं चाहता। और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको कितना उल्लेख करना है, कितना लिखना है, और इस अवधारणा को कैसे समझना है, इस पर मेरा ज्यादा जोर रहेगा। परंपरा मुक्त प्रतीक, परंपरा मुक्त मतलब कोई परंपरा से ये प्रतीक हमको प्राप्त नहीं होते। ये प्रतीक नवीनता लिए हुए होते हैं, नई कविता के प्रतीक इसी वर्ग के हैं। मतलब जो पारंपरिक प्रतीक ऊपर हमने देखा, जो परंपरा से प्राप्त, पुराने कवियों से जो प्राप्त हुए हैं, लेकिन कुछ होते हैं परंपरा मुक्त प्रतीक, बिल्कुल नए प्रतीक जो हाल ही में जन्म लिया है जिन्होंने। जैसे कि नई कविता के जो प्रतीक हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यह सब विभिन्न वाद हैं। तो नई कविता में क्या बोला है, सांप, सांप किसका प्रतीक है नई कविता में? ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का प्रतीक है सांप, जिसमें दूसरे का विषदंत चुभाने की प्रवृत्ति रहती है, जिसमें अपने जो जहरीले दांतों को चुभाने की जो प्रवृत्ति होती है सांप, सांप किसका प्रतीक है? ईर्ष्यालु व्यक्ति का प्रतीक है। इसके बाद छठवां भाव परक प्रतीक, भावों को जगाने वाले, भावों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक। ये शब्द आश्रित ना होकर भाव आश्रित होते हैं, छायावादी प्रतीक इसी कोटि के होते हैं। मतलब ये जो भाव परक प्रतीक होते हैं, शब्दों पर डिपेंड नहीं करते, शब्दों पर निर्भर नहीं करते, भावों के ऊपर निर्भर करते हैं, छायावादी जो प्रतीक होते हैं इसी कोटि में आते हैं। सातवां व्याख्यात्मक प्रतीक, मतलब जिसके लिए व्याख्या की जरूरत पड़ती है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। इनका चयन मतलब इन प्रतीकों का जब हम प्रयोग करते हैं, तब एक इसका अर्थ ध्वनित होता है, मतलब जिसको वाक्य ध्वनित होता है। जैसे इनका चयन गुणों एवं विशेषताओं के कारण किया जाता है, यथा जैसे कि सिंह वीरता का प्रतीक है, तथा गीदड़ कायरता का प्रतीक है। आठवां प्रकृति परक प्रतीक, मतलब वे सभी प्रतीक जो प्रकृति से उठाए गए हैं, तो ये होते हैं प्राकृतिक उपादानों से लिए गए प्रतीक, कमल, चांदनी आदि इसी प्रकार के प्रतीक हैं। तो जो प्राकृतिक, जो हमारे, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, वहां से जो हम प्रतीक उठाते हैं प्राकृतिक दृश्यों से, तो उसे बोला जाता है प्रकृति परक प्रतीक। महादेवी वर्मा की प्रतीक योजना जो हमारा वीडियो है, उसमें मैंने विस्तार से प्रतीकों का उल्लेख किया हुआ है, वर्णन किया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। अतः प्रतीक काव्य भाषा का एक तत्व है, जो भाव की अभिव्यक्ति को सबल बनाता है और भावों को मूर्त रूप प्रदान करता है। तो प्रतीक क्या है? काव्य भाषा का एक एलिमेंट है, एक तत्व है, काव्य भाषा में आने वाला एक तत्व है, एक एलिमेंट है, जो हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति को बहुत ही प्रबल बनाता है, स्पष्ट बनाता है, और जो हमारी भावनाएं हैं उसको मूर्त रूप प्रदान करता है। डॉक्टर नगेंद्र, जो भारत के बहुत बड़े आलोचक हुए हैं, डॉक्टर नगेंद्र, इनकी मान्यता है कि उपमान, उपमान किस क्या होता है? वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए, मतलब जिससे तुलना की जाती है, जिससे उपमा दी जाती है, जिससे उसको कहा जाता है उपमान। जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, जब कोई उपमान किसी विशेष पदार्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, प्रचलित हो जाता है, तब वह प्रतीक बन जाता है। जैसे हंस जो है जीवन का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है, वैसे ही तो जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के लिए प्रचलित हो जाता है, तो वह प्रतीक बन जाता है। जैसे कि मधुमेह वसंत जीवन वसंत के, यहां देखते हैं तो इस
पंक्ति में वसंत यौवन का प्रतीक है। जीवन को यदि एक उपवन मान लिया जाए तो वसंत का अर्थ यौवन ही होगा, है ना। तो वसंत किसका प्रतीक है यहाँ पर? यौवन का प्रतीक है। जो जिंदगी में जो युवावस्था आती है, जो यौवन आता है, उसका प्रतीक है वसंत यहाँ पर। मतलब प्रकृति में जो वसंत है वह सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत होता है, वैसे ही जो जीवन की जो युवावस्था है वह सबसे खूबसूरत होती है। तो जीवन को यदि हम उपवन मान लें, एक बगीचा मान लें, तो वसंत का अर्थ क्या होगा? यौवन ही होगा। मतलब बगीचा अपनी पूरी खूबसूरती में कब होता है? वसंत के दिनों में होता है। कोई भी बगीचा या कोई भी गार्डन अपने सबसे खूबसूरत स्थिति में किस मौसम में होता है? किस वो होता है? वसंत में। तो वैसे ही जो जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, जो चरम हिस्सा होता है, वह है युवावस्था। वसंत ऋतु आने पर जैसे उपवन खिल उठता है, भांति भांति के फूल खिल उठते हैं, प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार यौवन आने पर जीवन में प्रफुल्लता, सुंदरता एवं मधुरता का विकास अनायास ही हो उठता है। तो व्यक्ति जब युवावस्था में आता है तो हमेशा प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है, सुंदर दिखने लगता है और उसके व्यक्तित्व में एक खास तरह की मधुरता और खूबसूरती आ जाती है, प्रेम से भर जाता है। साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग, अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है और क्या परंपरा रही है। साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग आदिकाल से लेकर आज तक अक्षुण्ण रूप से किया जा रहा है। आदिकाल से यह चला जा रहा है। कवि की अनुभूति जब प्रबल और तीव्र हो उठती है तब अनायास ही वह प्रतीकों के साम्राज्य में विचरण करने पहुंच जाती है। मतलब जो कवि की अनुभूति है जब प्रबल हो जाती है और उसको वह अभिव्यक्त करना चाहता है तो वह प्रतीकों के माध्यम से उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अपनी संवेदना की विशिष्ट अपनी संवेदना को विशिष्ट संदर्भ के साथ साकारता और पूर्णता प्रदान करने के लिए कवि अपने इंद्रिय अनुभव के सहारे प्रतीकों की सृष्टि करता है और धीरे धीरे प्रतीक इतने रूढ़ अर्थात प्रचलित या प्रसिद्ध हो जाते हैं कि समाज के लोगों को इन्हें ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। मतलब कवि अपनी जो तीव्र भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, इमोशंस हैं, इसकी अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए वह अपने अनुभवों के आधार पर इंद्रिय जो अनुभव है, जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं हमारे, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इन ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से जिन संवेदनाओं को उसने महसूस किया है तो इन अनुभवों के आधार पर वह प्रतीकों का निर्माण करता है। शुरुआत में यह प्रतीक जो होते हैं कवि के निजी या व्यक्तिगत प्रतीक होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वे समाज में इतने प्रचलित हो जाते हैं कि वे रूढ़ हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, है ना। और इस प्रकार यह इतने प्रचलित और रूढ़ हो जाते हैं कि जो समाज के लोग हैं, जो उसको पढ़ने वाले पाठक अथवा श्रोता हैं, उनको उन प्रतीकों को समझने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग तो अवश्य किया गया, किंतु उसका स्वरूप सीमित रहा, क्योंकि आदिकालीन कविता का स्वर राज दरबारी और श्रृंगारी अधिक रहा। इस कारण इस काल में अभिधा परक काव्य का सृजन अधिक हुआ। तो आदिकाल जो था वहां पर प्रतीकों का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो कविता थी दरबारी कविता थी, राजाओं की प्रशंसा में या उनकी खुशी के लिए लिखी जाती थी, श्रृंगार परक कविता लिखी जाती थी। इसलिए अभिधा परक काव्य, अभिधा परक क्या होता है? तीन शब्द शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा मतलब डायरेक्ट, जो हम कह रहे हैं उसका वही अर्थ निकल रहा है, इसको बोलते हैं अभिधा परक। अवश्य नायिका के सौंदर्य वर्णन में कवि ने पारंपरिक प्रतीकों का प्रयोग किया, लेकिन उस समय भी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रतीकों का प्रयोग किया गया। जैसे नायिका की खूबसूरती को बताने के लिए, उसकी सुंदरता को बताने के लिए कवियों ने पारंपरिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। जैसे नायिका की सुंदरता के लिए चंद्रमुखी, चंद्रमुखी है, नेत्रों की विशालता के लिए मृगनयनी, पर इन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। परंतु प्रतीकों का सशक्त रूप उस रूप में नगण्य ही माना जाएगा, कोई खास ज्यादा उस समय प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। नाथों और सिद्धों की वाणी, है ना, आदिकालीन साहित्य है नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य। नाथों और सिद्धों की वाणी जिसे संध्या भाषा भी कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। संध्या भाषा किसको बोलते हैं? नाथों और सिद्धों की वाणी को संध्या भाषा भी कहते हैं। इनमें प्रतीकों का प्रयोग देखा जा सकता है, इन्होंने प्रतीकों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। श्री नित्यानंद शर्मा नाम के विद्वान इन्होंने कहा है, इन्होंने सिद्ध साहित्य के प्रतीकों को वर्गीकृत किया है। किस रूप में? श्रृंगारी, पारिभाषिक, उलटवांशियों से युक्त, आध्यात्मिक, इत्यादि वर्गों में विभाजित किया है। उलटवांशी क्या होता है? कोई उल्टी पुल्टी बात कही जाती है उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। तो जैसे कबीर में आप देख सकते हैं उलटवांशी, तो कबीर पर जब मैं चर्चा करूंगा बाद में तब मैं बताऊंगा उलटवांशी क्या है। तो इन्होंने ऐसे कैटेगराइज किया है, वर्गीकृत किया है। नाथ पंथियों की हठ साधना का मूलाधार हठ योग ही है। तो नाथ पंथ में जो हठ योग होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को उन्होंने कूट प्रतीकों द्वारा साकार किया है। कूट मतलब क्या होता है? जो गुप्त है, गुप्त प्रतीक। जैसे जो कूट भाषा होती है, गुप्त भाषा, सांकेतिक भाषा, गोरखवाणी में प्रतीकात्मक प्रयोग दृष्टे हुए हैं। गोरखवाणी है ना, गोरखनाथ की जो रचनाओं का संकलन है, वचनों का, तो इनमें प्रतीकात्मक प्रयोग दृष्टव्य है। वस्ती न शून्यम, शून्यम न वस्ती, अगम अगोचर जैसा, गगन शिखर में बालक बोले, ताका नाव घर जुगे जैसा। तो यहां पर गगन शिखर, दशम द्वार या ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। तो यह सभी उनकी जो नाथपंथी से संबंधित शब्दावली है, इस पर ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा मैं। इस पर नाथपंथियों ने इसी प्रकार से इड़ा पिंगला, इड़ा पिंगला नाम की जो नाड़ियां होती हैं उनके लिए गंगा जमुना का प्रयोग किया है। इन्हें चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहा है। सुषुम्ना मार्ग के लिए खजूरी और कुंडलिनी के लिए मछली शब्द का प्रयोग किया है। तो कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं, कुंडलिनी, कुंडलिनी के लिए कुंडलिनी जागरण बोलते हैं, कुंडलिनी को जो जगाते हैं, तो मछली शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से अन्य प्रचलित प्रतीक हैं गंग, ग्रह, मंडल, विमल जल, औंधा कुआ, चादर आदि। तो नाथ और सिद्धों ने किस प्रकार प्रतीकों का प्रयोग किया है ये देख सकते हैं। नाथ पंथियों के प्रतीक उनके अनुभव, लोक जीवन तथा घरेलू वातावरण से संबंध है। नाथों ने जिन प्रतीकों का प्रयोग किया है वह उनके स्वयं के अनुभव, जो उनका जीवन है, लोक जीवन मतलब जो उन्होंने समाज में देखा, महसूस किया, और घरेलू वातावरण से संबंध है। भक्त कवियों के काव्य में बेजोड़ प्रतीकों की सार्थक कवि सार्थक सृष्टि देखी जा सकती है। भक्त कवि जो है, संत कवि जो है, भक्त कवि है ना, तो इनकी कविता में आप, भक्ति काल में आप बहुत ही बेहतरीन प्रतीकों का प्रयोग देख सकते हैं। प्रतीकों का वैविध्यपूर्ण प्रयोग भक्ति काल में हुआ है। जीव, जगत, ब्रह्म, ईश्वर, माया और इनसे रागात्मक अर्थात प्रेममय संबंधों की रहस्यमय अभिव्यक्ति में प्रतीकों की अपार संपदा का प्रयोग देखा जा सकता है। मतलब भक्ति काल के जो विभिन्न जो टर्मिनोलॉजी थी, जो शब्दावली थी, जैसे जीव है, जगत है, ब्रह्म है, ईश्वर है, माया है, और इनसे प्रेममय संबंध है, जो आत्मा का, जो जीव का, जो संसार में रहने वाले लोगों का, इनसे जो प्रेममय अथवा रागात्मक संबंध होता है, राग मतलब होता है प्रेम, तो इनको अभिव्यक्त करने में उन्होंने प्रतीकों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। शब्द चयन में भी प्रतीकों की छटा इस युग के काव्य में दर्शनीय है। मतलब प्रतीकों के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है यह भी अतुलनीय है, दर्शनीय है। जीवात्मा और परमात्मा के भेद को मूर्त रूप प्रदान करते हुए कबीर ने प्रतीकों का प्रयोग किया है और वे कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तथ्य कथ्य और यानी। तो यहां पर जो कुंभ है वह जीव का और जल जो है परमात्मा का प्रतीक है। यहां जो कुंभ बोला जा रहा है यह किसका प्रतीक है? जीव का प्रतीक है और जल जो है परमात्मा का प्रतीक है। आध्यात्मिक प्रतीक को कबीर ने अपने लोकानुभव द्वारा प्रस्तुत किया। इसी प्रकार सुहागिन जीवात्मा का प्रतीक है और भड़तार परमात्मा का प्रतीक है। मतलब जिसको आप सूफी संतों की वाणी में भी आप देखते हैं, जो सूफियाना कलाम है कि जो जीव है वह अपने आप को प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करता है। सूफियाना कलाम में जो जीव है वह प्रेमिका है और जो परमात्मा है वह प्रेमी है, वैसे ही है। भक्ति काल में भी सुहागिन किसका प्रतीक है? जीवात्मा का प्रतीक है और भड़तार मतलब परमात्मा का। जैसे कि मीराबाई के आप पदों में देख सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो यह है। दिया देह का प्रतीक है एवं अंतःकरण का प्रतीक है, जो दिया है, जो दीप है। माली जो है काल का प्रतीक है, कली जीव का प्रतीक है, बूंद जीव का प्रतीक है और समुद्र परमात्मा का प्रतीक है भक्ति काल में। इसी प्रकार प्रतीकों की समृद्ध परंपरा संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य में व्याप्त है। प्रतीकों का प्रयोग रीति काल में अत्यल्प है, रीति काल में बहुत कम प्रयोग किया गया। इस काल में प्रयुक्त अधिकांश प्रतीक रूढ़ हैं एवं काम अथवा श्रृंगार विषयक हैं। रीति काल में जिन प्रतीकों का प्रयोग किया गया वे प्राय रूढ़ हैं, मतलब प्रचलित हैं और श्रृंगार विषयक हैं, काम वासना से संबंधित हैं और श्रृंगार से संबंधित हैं। आधुनिक काल में, आधुनिक साहित्य में नए नए प्रतीकों की सृष्टि हुई है। नई कविता में और आधुनिक, नई कविता जो है या फिर आधुनिक जो कविता है उसमें नए नए प्रतीकों की सृष्टि हुई है। भारतेंदु युग में प्रतीकों का स्वरूप राष्ट्रीय एवं व्यंगपरक रहा। द्विवेदी युग में प्रतीकों का रूढ़ अथवा प्रचलित प्रयोग अधिक देखने को मिला। यहाँ राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक प्रतीकों की झलक देखी जा सकती है। मतलब भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सब कविता के जो युग हैं उनमें विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग होता था। जैसे कि संसार की नश्वरता का बोध करवाते हुए मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में लिखा है,
घूम रहा है कैसा चक्र, वह नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र। उक्त काव्य पंक्तियों में नवनीत अथवा मक्खन जो है यह किसका प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है, और तत्र मतलब छाछ या मट्ठा निस्सारता अथवा सारहीनता का प्रतीक है। मतलब मक्खन तो आत्मा का प्रतीक है और ये जो छाछ है वो क्या है, यह बेकार की चीज है, निस्सार है, नष्ट प्राय है, जैसे व्यक्ति का जीवन है। प्राकृतिक प्रतीकों की सृष्टि भी, व्यक्ति का जो शरीर है, प्राकृतिक प्रतीकों की सृष्टि भी इस युग में देखी जा सकती है। प्रकृति से भी यहाँ पर प्रतीक उठाए हुए हैं, जैसे आप देखते हैं उनमें सुमित्रा नंदन पंत में देख सकते हैं, या फिर आप महादेवी वर्मा में देख सकते हैं। छायावादी काव्य संसार में प्रतीकों की सतरंगी छाया देखी जा सकती है। छायावादी कवि ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर प्रसाद से लेकर पंत, निराला और महादेवी वर्मा तथा अन्य छायावादी कवियों के काव्य जगत में प्रतीकों की नवीन सृष्टि हुई है। तो प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इन सभी ने, छायावादी कवियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रतीकों का प्रयोग किया है। छायावाद का संबंध प्रकृति से, छायावाद का संबंध प्रकृति से अभिन्नता जुड़ा हुआ है। अभिन्नता मतलब बिल्कुल गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक प्रतीक का एक उदाहरण दृष्टव्य है। छायावादी कविता से प्रतीक का एक उदाहरण यहां पर है, निशा को धो देता राकेश, चांदनी में जब पलकें खोल, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। किस कवि की पंक्ति है फिलहाल मुझे पता नहीं है, ज्यादा इस पर मैं रिसर्च नहीं कर पाया हूं। नहीं, आप यहां पर इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, मुझे भी बताइए कि किस कवि की पंक्ति है। नई कविता में तो नए नए प्रतीक गढ़े गए और उनका विविध मुखी प्रयोग हुआ। नई कविता है ना, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। नई कविता में नए नए प्रतीक बनाए गए और उनका विभिन्न प्रकार से प्रयोग भी किया गया। कहना होगा कि आज तो प्रतीक कवि की व्यवस्था बन चुका है, मतलब व्यवस्था या मजबूरी बन चुकी है, बहुत अच्छी मजबूरी, खूबसूरत सी मजबूरी कि प्रतीकों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जो कवि की अनुभूति विविध आयामी बनकर विकल होगी, विकल मतलब व्याकुल होगी, मतलब जब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल हो जाएगा, तब त्यों तो वह प्रतीकों के अनंत साम्राज्य में अपनी भावना का मार्ग खोजेगा। मतलब जब कवि अपनी अनुभूतियों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए बेचैन हो जाता है, तो उनकी अभिव्यक्ति करने के लिए वह प्रतीकों की दुनिया में पहुंच जाता है और नए नए प्रतीकों का निर्माण करता है, सृजन करता है। कवि की संवेदनाओं का रूप अनंत है, मतलब एक कवि में जो संवेदनाएं, जो इमोशंस और जो फीलिंग्स और जो भावनाएं होती हैं वे अनंत होती है, और प्रतीकों की दुनिया भी अनंत है। प्रतीक भी बहुत सारे हैं उसके पास, उसकी भावनाएं भी, विभिन्न प्रकार की भावनाएं हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रतीक कवि की एक प्रिय व्यवस्था है। प्रिय व्यवस्था है मतलब वह मजबूर है प्रतीकों का प्रयोग करने के लिए, और वह उसे प्रिय भी है, वह उससे प्यार भी करता है। अब हम देखते हैं उपसंहार। साहित्य में प्रतीक विधान अथवा प्रतीक रचना, विधान मतलब होता है रचना करना, निर्माण करना। साहित्य में प्रतीक विधान अथवा प्रतीक रचना का महत्व अनुभूति को व्यवस्थित करने, मतलब फीलिंग्स और इमोशंस, सेंसेशंस को व्यवस्थित करने के लिए, और भाव प्रसार में सहयोग देने के लिए होता है। मतलब भावनाओं के प्रचार प्रसार में सहयोग देने के लिए और अनुभूति को और अपने अनुभव को व्यवस्थित रूप देने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः प्रतीक अप्रस्तुत कथन की एक महत्वपूर्ण सांकेतिक पद्धति है। जैसे मैं बता चुका हूं, जो अप्रस्तुत को प्रस्तुत करने का माध्यम है, सांकेतिक पद्धति है। व्यंजनाश्रित होने के कारण यह भाव गोपन एवं भाव प्रकाशन का समर्थ माध्यम है। अब व्यंजनाश्रित मतलब अभिधा लक्षणा व्यंजना, मतलब हम कहते कुछ है उसका अर्थ कुछ और निकलता है, व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति पर आधारित होने के कारण यह भाव गोपन, भाव गोपन मतलब भावनाओं को छुपाना, एवं भाव प्रकाशन, भाव प्रकाशन मतलब भावनाओं को प्रकाशित करना, अभिव्यक्ति प्रदान करना, इन दोनों का समर्थ माध्यम है। प्रतीकों के माध्यम से हम भावनाओं को छुपा भी सकते हैं और प्रतीकों के माध्यम से हम अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। इसीलिए कार्लाइल नाम के जो बहुत बड़े महान विद्वान हुए हैं अमेरिका के, तो इनका क्या कहना है, कार्लाइल की धारणा है कि प्रतीक में भाव गोपन मतलब भावों को छुपाना के साथ साथ भाव प्रकाशन भी रहता है, मतलब भावों को प्रकाशित करना, अभिव्यक्ति प्रदान करना भी रहता है। प्रतीक का प्रयोग अनादिकाल से मतलब पता नहीं कब से प्रतीकों का प्रयोग चालू हुआ है। प्रतीक का प्रयोग अनादिकाल से ही संप्रेषण साधन के रूप में किया जाता है, मतलब संप्रेषित करने के लिए, विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग अनादिकाल से, मतलब हमको पता नहीं कब से चल रहा है। प्रतीक गागर में सागर भर देते हैं, कम बातों में
अधिक बातें बता देते हैं प्रतीक, अर्थात प्रतीक आकर्षक एवं चमत्कार पूर्ण पद्धति से सूक्ष्म अमूर्त एवं व्यापक सौंदर्य को अपने में समाविष्ट कर लेता है। प्रतीक अनुभूति एवं अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब प्रतीकों में गागर में सागर भरने की क्षमता रहती है। मतलब एक छोटा सा प्रतीक एक बहुत गहरे अर्थ को व्यंजित कर देता है, इसलिए ये अपने में बहुत ही अमूर्त और व्यापक सौंदर्य को समाविष्ट रखते हैं। इसलिए अनुभूति अथवा अभिव्यक्ति, अनुभूति मतलब जो अनुभव करते हैं, फील करते हैं, और अभिव्यक्ति मतलब उसको अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। तो जो प्रतीक होते हैं अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रतीक का बहुत ज्यादा महत्व है। प्रतीक भाषा को संपन्न, समृद्ध एवं साहित्यिक बनाते हैं। उनमें लक्षणा और व्यंजना शक्ति का वह चमत्कार है जिसे भाषा की लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता का विकास होता है। मतलब प्रतीकों का संबंध लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति से होता है, और इसलिए यह बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसमें ये चमत्कारिक होते हैं। इसलिए साहित्य में प्रतीक निर्माण की आवश्यकता तथा महत्व का उल्लेख करते हुए अज्ञेय ने अपनी किताब आत्मनिपद में लिखा है कि कोई भी स्वस्थ काव्य साहित्य नए प्रतीकों की सृष्टि करता है, और जब वो ऐसा करना बंद कर देता है तो वह जड़ हो जाता है। मतलब कोई भी महान साहित्य, कोई भी काव्य साहित्य जब तक नए नए प्रतीकों की का सृजन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, तभी तक वह जीवंत है, और यदि वह नए नए प्रतीकों का प्रयोग करना बंद कर देता है तो वह जड़ हो जाता है, मतलब मृत हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतीक का काव्योत्कर्ष में प्रमुख योग होने के साथ साथ साहित्यिक अभिव्यक्ति में चमत्कार विधायक अर्थात चमत्कार की रचना करने वाला होने के कारण मानव की अभिव्यंजना, अभिव्यंजना मतलब होता है विचारों और भावों को प्रकट करने में घनिष्ठ संबंध है। मतलब प्रतीकों का प्रयोग करके न केवल कवि अपने काव्य को उत्कर्ष तक, शिखर तक, ऊंचाई तक लेकर जाता है, बल्कि इनके प्रयोग के द्वारा वह चमत्कार की भी सृष्टि करता है, और इन प्रतीकों के माध्यम से वह विचारों और भावनाओं को भी व्यक्त करता है। तो इन सब में आपस में घनिष्ठ संबंध है। अतः प्रतीक हमारे लिए अथवा साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। तो इस प्रकार आप प्रतीकों को भली भांति समझ गए होंगे। यदि मेरा आज का यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। इस लेक्चर का PDF मैंने नीचे डाल दिया हुआ है, ये जो पावर पॉइंट है इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह आज का एपिसोड कैसा लगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।